नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हाजीपुर के वैशाली जिले में जदयू की प्रदेश महासचिव डॉक्टर असमा परवीन के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी नेताओं ने पार्टी के हित में काम करने की अपील भी की। देखिए, हाजीपुर के वैशाली जिले के महुआ विधानसभा के चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत रसुलपुर फतह पंचायत के सुमेरगंज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक जदयू की प्रदेश महासचिव डॉक्टर आसमा प्रवीण के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में उपस्थित नेताओं ने पूरी एकजुटता से पार्टी के हित में काम करने की अपील की। वहीं जदयू के प्रदेश महासचिव डॉक्टर असमा परवीन ने नीतीश सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वसीम राजा, पूर्व मुखिया मोहम्मद नौसाद, सूफी गुलाम, गौस कादरी, मुखिया पति उमेश पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। बेसिकली अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बैठक हो रहा, समीक्षा बैठक, जो हमारे साथ आप देख रहे हैं मेरे बगल में, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम राजा भाई हैं। और ये प्रोग्राम भाई जी के द्वारा हो रहा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा, चूँकि हम यहाँ पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे क्रियाकलाप को बता रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जो उन्होंने अपने काम को किया, तो उस चीज़ को हम बता रहे हैं जगह जगह जाके। तो आज भाई जी का कार्यक्रम चूँकि था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और उस समीक्षा बैठक में मुझे शामिल होना चाहिए, और कुछ जो भी निकल कर आएगा अपनी कमी बेसी को हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे। क्या महुआ विधानसभा की जो अकलियत तबका है, क्या वहाँ तक क्या पहुँचने का काम किया पूरा, की कुछ कमी भी रह गई? मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अपने भाइयों तक पहुँचने के लिए, लेकिन जहाँ कहीं कमी बेसी भी हो सकता है, मैं कोशिश कर रही हूँ तो उस कमी को दूर कर पाऊँ।